अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। चालू रबी मार्केटिंग सीजन के दौरान खुली मंडी में गेहूं की हो रही खरीद सोने पे सुहागा साबित हुई है। उपज का लाभकारी मूल्य मिलने से जहां किसानों की झोली भरी है, वहीं खाद्य सब्सिडी घटने से सरकारी खजाना भार पे कम हो गया है। वहीं इतना ही नहीं, जो सरप्लस खाद्य सालों साल बोझ बन जाता था, वही चालू सीजन में निर्यात के रास्ते विदेशी मुद्रा में तब्दील होने लगा है। वहीं FCI जैसी भारी भरकम संस्था भी सरप्लस खाद्यान्न के भारी स्टॉक में दबी जा रही है। खाद्यान्न प्रतिबंध के लिए उसे भी अब सांस लेने का अच्छा मौका मिला है। गेहूं की सरकारी खरीद घटने के बावजूद गोदाम में ना सिर्फ पर्याप्त खाद्यान्न है, बल्कि अगले वर्ष के लिए 4.5 करोड़ टन से भी अधिक स्टॉक शेष बचेगा। चालू सीजन में सरकारी खरीद जरूरत भर होने से सरकारी खजाने पर 60,000 करोड़ टन का भार कम पड़ेगा, जबकि सरप्लस अनाज के निर्यात होने से हजारों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा पर्याप्त होगी। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल से जुलाई के दौरान 40 लाख टन गेहूं निर्यात का अनुमान है। पूरे साल में गेहूं निर्यात के 1 करोड़ टन के पार जाने की संभावना भी है। घरेलू बाजार में मांग बढ़ने से किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिल रहा है। साथ ही FCI के पास पर्याप्त गोदाम होने की वजह से मॉनसून सीजन में खुले में अनाज के भी कर सड़ने की संभावना नहीं रहेगी। भारी भरकम स्टॉक से FCI के गोदाम की मरम्मत और खाद्य प्रतिबंध की खामियों को दुरुस्त करने का मौका भी मिल गया है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।